जी, थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि कहाँ जा रहे हैं अपनी ट्रिप पे। लेकिन अब ये अभी तक देखो मैं घर पे हूँ। ऐसा है, इस ट्रिप पे जो जो चीज़ें सीखने को मिलेगी ना, सारे बताऊँगा। अभी तक तो जो सीखने को मिली है वो पहली चीज़ ये है, कभी भी इंस्टेंट कहीं भी जाने का प्लान मत बनाओ, बिल्कुल मत बनाओ। क्योंकि अब हम लोग जैसे जाने वाले थे, अभी के लिए वो पूरा प्लान ख़त्म हो चुका है। कौन कौन जाने वाला था, क्या हो जाने वाला था, कुछ भी नहीं पता। सो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अभी घर से निकल रहे हैं, कुछ नहीं पता है कैसे पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, कौन कौन पहुँचेगा, कुछ नहीं पता है। बस राधे राधे बोल के जर्नी शुरू कर रहे हैं, लेट सी क्या होता है। आप भी देखो। ये अपने घर का मंदिर, निकलने से पहले यहाँ पे कर लेते हैं प्रणाम। हे प्रभु, हमारी इस जर्नी को एकदम सक्सेसफुली सेफली पूरी करवाना, जय हो। देखो ऐसा है, अभी का प्लान, कहते हैं कि वृंदावन आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, उसका बुलावा हो तभी जा सकते हैं आप, है ना। तो हमारा पूरा प्लान स्पॉइल हो चुका है, पूरा का पूरा प्लान स्पॉइल हो चुका है। लेकिन हमारी जिद है, हम पहुँचेंगे जरूर। अब फिलहाल हम सीकर से निकल रहे हैं जयपुर के लिए। पहले जयपुर पहुँचते हैं, फिर वहाँ से आगे का प्लान देखते हैं। जाएंगे जरूर, आपको सारी जगहों के दर्शन ज़रूर करवाएंगे, ये मेरा वादा है। निकल रहे हैं, आपको बताता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा क्या चल रहा है। मुश्किलें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जो गाड़ी हमें जयपुर तक लेके जाने वाली थी, वो गाड़ी भी अभी फाइनली प्रॉब्लम हो गई। तो अब घर से आधा किलोमीटर दूर पैदल चल के जहाँ पे मेरा दोस्त आएगा, वहाँ से पकड़ेंगे ऑटो, और ऑटो पकड़ के जाएंगे बस स्टैंड, और वहाँ से पकड़ेंगे बस, और बस में जाएंगे जयपुर। बस स्टैंड पहुँच के सबसे पहले हमने ली है माजा, ताकि दिमाग को ठंडा करे और दिमाग को थोड़े मज़े दे, क्योंकि अब दिमाग चल नहीं रहा। और माजा अब ख़त्म हुई, उससे पहले देखो सामने कौन आ गई, हमारी बस जो हमें लेके जाएगी जयपुर। अब बस के अंदर का सीन ये था, कोई सो रहा है, कोई मोबाइल फ़ोन पे अपने लगे हुए हैं किसी के साथ में, कोई मूवी देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात देखो पढ़ाई चल रही है भाई यहाँ पे। ओहो, कुछ लोग खड़े हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पे अपने अलग ही मज़े हैं। तो चलो अब जैसे तैसे करके जयपुर पहुँचते हैं, और जयपुर तक का सफ़र मैं तो अंकल के साथ बिताऊँगा, इनके साथ मूवी देखूँगा फ्री फोकट, तो टाइम पास हो जाएगा अपना अच्छा अपना। चलो जी, तो ऐसा है, हम पहुँच गए जयपुर, और 5000 साल की मेहनत करने के बाद फाइनली हमारे हाथ में है टिकट वे टू मथुरा। अब प्लान में चेंज ये है कि पहले हम डायरेक्ट वृंदावन जा रहे थे, लेकिन वृंदावन की डायरेक्ट यहाँ से ना कोई बस है और ना ट्रेन है। सो हाईली रिकमेंडेड ये है कि यदि आप जयपुर से ट्रेवल कर रहे हैं स्पेशली वृंदावन के लिए, तो मेरी राय ये है कि आप अपना व्हीकल लेके जाएं, अदरवाइज इंस्टेंट प्लान ना करें जाने का, बिल्कुल भी ना करें। जी ये है अपनी बस जो अपने को जयपुर से लेके जाएगी ऑन द वे ऑफ मथुरा। तो इसका क्या फेयर रहा, क्या किराया रहा, ये सब तो मैं आपको इस जर्नी के एंड में बता ही दूंगा। बाकी ऐसा है, इस रूट के लिए मैंने पहले भी बताया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इतना बिलीव मत करो। देखो मैं तो जा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करने, इसलिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से शायद मैं इस रूट को इतना कवर नहीं कर पाता, इसलिए मैंने बनाया है, तो हमें मिल गई है। चलते हैं, शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को, और कोशिश करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएं, बहुत अच्छे से हर चीज़ को कवर करें, दर्शन करें, आप लोगों को भी कराएं। और जो जो वृंदावन जाना चाहता है या जाके आ चुके हैं या जिनको जाना है, प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर मेंशन कर देना। ओके चलिए जी, अपनी यात्रा शुरू हो चुकी है।
रात के बज रहे हैं लगभग 1:30 और बस वाले भी आने रोकी है यहाँ पे खाने वगैरह वाली पे। सो मेरी आप लोगों को टिप नंबर 3 कि यदि आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में ट्रेवल कर रहे हो तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप खाना हो सके तो अपने घर से कैरी करें, बिकॉज यदि सबने माउंट आबू वाला व्लॉग देख रखा है तो ये सब असलियत तो मैंने आप लोगों को दिखा के पले। सो हम तो है ही समझदार, इसलिए हम घर से खाना कैरी करके लाएँ। यहाँ पे हम खाली भैया से बनवाएंगे चाय बस। पूछो प्यार पे कितने पैर होते हैं, इश्क में जाने क्या हो जाता है ये रब ही जाने। जी नाइट के बज रहे हैं 2 और हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं ब्रज 84 कोस मंडल में और बस कुछ ही देर में हम लोग अभी बस से उतर जाएंगे नीचे। बहुत सूफी से सॉन्ग चल रहे हैं स्लो मोशन पे और अच्छा लग रहा है। अभी तो एकदम मिडनाइट हो गई है तो देखो कुछ भी नहीं है, बाहर अंधेरा है एकदम। क्या ही दिखाऊं मैं आप लोगों को, एक बार पहुंच जाते हैं फिर दिखाता हूँ। सो जी फाइनली पहुंच चुके हैं, रात के बज रहे हैं 2 और बस ने हमें जहाँ उतारा आप देख सकते हो, ये है मथुरा जंक्शन, मतलब वृंदावन आने के लिए सबसे बेस्ट तरीका। यहाँ पे आप ट्रेन पकड़ के आ जाओ, यहाँ बाहर से ऑटो रिक्शा लगते 30-35 रुपये पर मेंबर लेते हैं ये और सीधा आपको वृंदावन छोड़ देंगे। बट यहाँ तक सही से सही पहुँचने के लिए आपको इंस्टेंट प्लान नहीं बनाना है, 4-5 दिन पहले अपनी बुकिंग करवा लेनी है ताकि आप लोग आराम से पहुँच जाओ। तो अभी हम लोग पहुँच गए, ये एक भैया ऑटो वाले इनसे बात कर रहे हैं, ये हमको मथुरा से वृंदावन लेके जाएंगे और सही टाइम पे पहुँचे क्योंकि अभी क्या है मॉर्निंग में प्रेमानंद जी महाराज का मॉर्निंग वॉक वाला टाइम हो रहा है तो जाते ही उनके दर्शन हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि हो जाए, जो भी आगे रहेगा आपको बताएंगे। सो जी ऑटो रवाना हो गया और अपन चल रहे हैं अब श्रीधाम वृंदावन के लिए, तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। सब लोग जो है ये डेली का है, यहाँ पे ये रोज श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं लोग। देखो आगे आपको रोशनी में दिखाई देगा, हम कब से इसमें चले जा रहे हैं ऑटो में और ये जो लोग दिख रहे हैं आपको पैदल जाते हुए ये कंटिन्यू काफी देर से आ रहे लोग और ये श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं सारे के साथ जी।